हाय एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जरूर आप अपने या तो ट्वेल्थ कर रहे हैं, ट्वेल्थ कर चुके हैं और आप कहीं ना कहीं बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में देखो, एक तो मैं ये बताने वाला हूँ कि बीटेक की फीस कितनी होती है, ठीक है। 2023 में अगर आप बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हो तो कितनी फीस आपको देनी होगी, कॉलेज टू कॉलेज कितना वेरी करता है, कितना डिफरेंस आता है, कितना मतलब चेंजेस होते हैं कि किस कॉलेज की कितनी होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और उनके हर साल कम से कम 20-25 हज़ार रुपये उन्हें एक्स्ट्रा देने होते हैं, जबकि उनका ही कलीग जो उनकी ही क्लास में पढ़ रहा है वो बंदा 20-25 हज़ार रुपये कम दे रहा होता है सेम कॉलेज में, सेम ब्रांच में। तो ऐसा भी होता है। अभी आपको ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा होगा लेकिन आने वाली वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे ये काम करता है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसा कि बीटेक की कितनी फीस होती है। तो अगर मैं एक नॉर्मल कॉलेज की फीस की बात करूँ, जो एक एवरेज कॉलेज होती है, जो ज़्यादा अच्छी कॉलेज नहीं है, जिसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो उसकी आप 40,000 से लेके बैरी हो सकती है 70,000 से लेके 80,000 रुपये, ठीक है। ये कॉलेजेस वो होती हैं जिनका प्लेसमेंट 10-15 हज़ार का होता है बीटेक के बाद, ठीक है। और अगर मैं एक अच्छी कॉलेज की बात करूँ तो 1,00,000 से लेकर 1.5 लाख पर ईयर फीस रहती है एक अच्छी कॉलेज की। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे देखो एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फीस ज़्यादा है, मैं इस कॉलेज में ले लेता हूँ क्योंकि इस कॉलेज की फीस कम है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो एक कॉलेज ऐसी है जो जिसकी फीस अगर मैं एग्जाम्पल के ले लेता हूँ 60,000 है, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज है जिसका प्लेसमेंट मात्र 12 से 13 हज़ार रुपये है, ठीक है। आप 4 साल फीस दोगे और आपका जो प्लेसमेंट हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, वो 12-13 हज़ार रुपये हो रहा होगा। उसके बाद अगर आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेते हो जिसकी फीस 1,20,000 रुपये है, ठीक है, उससे डबल फीस है, इसकी 60,000 है उसकी डबल फीस है, लेकिन वो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट दे रही होगी 40,000 रुपये लगभग, ऐसी जिसकी 1,20,000 होगी उसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा, तो कम से कम वो दे रही होगी आपका 40,000 रुपये भी अगर मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर प्लेसमेंट में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। साथ ही में जो चीज़ें आप उस कॉलेज में रह के सीखोगे, देखो पढ़ाई तो सब करते हैं, पास तो सब होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किल्स या जहाँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा वहाँ, ये वहाँ पर आपको जो एक एवरेज कॉलेज होगी वहाँ पर वैसे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, वैसा माहौल नहीं मिलेगा और वैसी टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता तक नहीं चलेगा कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है। वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे को क्या गाइडेंस देनी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की तरफ उनको गाइड करना है, कौन सी चीज़ों को बच्चों को कौन से राइट टाइम पे सिखाना है। जो एक नॉर्मल कॉलेज होती है वो बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करती है सिर्फ और उनको एग्जाम में पास कराने पे फोकस करती है सिर्फ। तो अब मेरे आपका माइंड आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि भैया क्या ज़्यादा फीस का मतलब अच्छी कॉलेज, ऐसा भी नहीं है। आपको ज़्यादा फीस कम फीस नहीं देखनी, आपको देखना है कॉलेज का माहौल कैसा है, साथ में कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। अगर देखो आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते 1,00,000, क्योंकि पहले आप पैसा होना भी तो चाहिए, देखो प्लेसमेंट होगा 4 साल बाद तो पहले पैसा होना भी तो चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा है आप अफोर्ड कर सकते हो कहीं ना कहीं से करके, तो आप एक अच्छी कॉलेज में जाना जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो। मेरा कहने का मतलब है फीस ही अच्छी ना हो, जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, जिसका प्लेसमेंट 30,000 से लेकर 40,000 शुरुआत में एवरेज प्लेसमेंट हो, 40,000 तो मिल ही रहा होगा आपकी ब्रांच जिससे कर रहे हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर एक नॉर्मल कॉलेज से कर लेना और देखना कि फीस फिर उसकी कम ही हो, 40,000-50,000 रुपये इसकी फीस हो, और साथ ही होती है ऐसी नॉर्मल कॉलेज की फीस, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स पर फोकस करना है। अभी मैंने शुरुआत में एक चीज़ और बताई थी कि एक जो फीस का मसला होता है, एक बंदा ज़्यादा दे रहा होता है, एक कम दे रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस क्या करती हैं, जो एक नॉर्मल कॉलेज करती हैं, एक अच्छी कॉलेज तो नहीं करती हैं, जो नॉर्मल कॉलेज होती हैं उतनी अच्छी कॉलेज नहीं होती हैं, वो क्या करते हैं अपने यहाँ पर जो उनके एडमिशन सेल में लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि आप स्टूडेंट्स के जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की एडमिशन कराएंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा, पर स्टूडेंट्स के हिसाब से कमीशन होता है। मतलब वो कॉलेजेस क्या करती हैं, जैसे कि आपने देखा कोई सामान लेने जाओ, ठीक है, आलू लेने गए आप बाजार में, एक बंदा उस आलू को 20 रुपये पर केजी लेके आया और किसी ने थोड़ा सा कम बढ़ती करके 15 रुपये पर केजी भी ले आया, वो तो उस 5 रुपये का मार्जिन हो गया ना। ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है, उन्होंने फीस बताई 70,000 रुपये। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कहते हैं कि सर मैं इतनी फीस नहीं दे पाऊंगा, मैं 40,000-45,000-50,000 इतनी फीस दे पाऊंगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके यहाँ एडमिशन मिल सकता है इतने में तो ठीक है, तो वो अपनी कम से कम बता देते हैं कि हम इतने में कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं या नहीं बोल पाते हैं, 70,000 बोल दी हाँ एडमिशन ले लिया,
तो ऐसी कॉलेजेस होती हैं। तो अगर आप एक एवरेज कॉलेज में, एक नॉर्मल सी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जितनी वो फीस बताएं उतनी फीस पे एडमिशन मत लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे, जो प्रीवियस जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑलरेडी बीटेक में है, उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछोगे कम से कम कितनी फीस पे एडमिशन मिल सकता है इस कॉलेज में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।